हेलो भाई, दिस इज एक्स आर टी। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। भाई आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि जैसे आपकी वीडियो पे कॉपीराइट आते हैं तो उनको क्लेम कैसे करना है। क्लेम मतलब उनको ठीक कैसे करना है। जैसे अभी आपकी वीडियो पे कॉपीराइट आ गया है, सबसे पहले देखना कैसे कि आपको आए कहाँ पे, आपको लगेगा कैसे पता कि हाँ भाई मेरी वीडियो में कोई कॉपीराइट है। ठीक है, तो भाई आगे पूरी वीडियो को आपको बताएंगे कि कैसे कॉपीराइट को रिमूव करें और मतलब उसको कैसे ठीक करें। ठीक है, ठीक है जी जी भाई, आपको सबसे पहले गूगल पे आना और यहाँ पे सर्च मारना है youtube.com। भाई जब आप सर्च मारोगे तो आपके सामने ये डेस्कटॉप साइट में खुल जाएगी। ठीक है, आपको इसको डेस्कटॉप साइट में होना है, यहाँ पे जाके क्लिक करवा देना डेस्कटॉप साइट पे। ठीक है, और फिर सबसे पहले आपको जाना है कि अपने लोगो पे जाना है, ये जो लोगो बना है अपने लोगो पे जाना है और यहाँ पे youtube studio पे क्लिक करवाना है। ठीक है, फिर एक ये आएगी तुम्हारी, मतलब एक नया पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपके एनालिटिक्स वगैरह शो किएंगे तो आपको इधर लेफ्ट में आके लोगों के नीचे ये जो वीडियो वाला ऑप्शन है ना, इधर क्लिक करवाना है। ठीक है, इधर क्लिक करवाने के बाद आपको लग जाएगा पता कि हाँ आपने कौन कौन सी वीडियोज़ डाली है अभी तक। और यदि आपको ये देखना है ना कि आपकी कौन सी वीडियो में कॉपीराइट आया है यार, किस में मतलब रिस्ट्रिक्शन, तो इधर फिल्टर में क्लिक करवा के आप लिखना कॉपीराइट क्लेम्स। तो भाई आप देख सकते हो मेरे को कितनी सारी वीडियोस में कॉपीराइट आया। मेरे को लिटरली पता नहीं था कि कॉपीराइट क्लेम्स भी आते हैं। मतलब किसी और का गाना अभी आप यूज़ करोगे ना जिस पे कॉपीराइट लगा है तो आपको कॉपीराइट क्लेम आएगा। इससे आपका चैनल बंद नहीं होगा बट ये आ जाएगा कि आपको इससे पैसे नहीं ले सकते। ठीक है, आप मतलब इस वीडियो के दौरान पैसे नहीं कमा सकते क्योंकि देखो अभी तक हमारी मोनेटाइजेशन इनेबल तो नहीं हुई है। बट यदि बाई चांस इन फ्यूचर यदि मोनेटाइजेशन इनेबल हो जाती है तो यदि इन वीडियो से हमको पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि ये जो पैसा हमने जिसका गाना लगाया ना उसको मिल जाएगा। मतलब हमें नहीं मिलेगा उसका पैसा बट सामने वालों को मिलेगा जिसने जिसका गाना है। तो भाई अब आपको बताता हूँ कि इन कॉपीराइट क्लेम्स को कैसे रिमूव करना है। भाई इधर कॉपीराइट क्लेम पे क्लिक दबाना है, सी डिटेल्स पे क्लिक दबाना है। ठीक है, और नई ये पेज खुलेगा। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है LSD जीनियस। देखो मैंने इसका गाना यूज़ किया था तो इन्होंने ये कह रहे हैं कि आपने इनका गाना यूज़ किया और इस वजह से ये देखिए वीडियो कैन नॉट बी मोनेटाइज्ड एड रेवेन्यू पेड टू कॉपीराइट ओनर, ये प्रॉब्लम आती है। तो आपको इधर सेलेक्ट एक्शन पे क्लिक दबा के यदि आपके पास तीन ऑप्शन होंगे, या तो आप गाने को ट्रिम कर दो वीडियो से, या तो फिर गाने को रिप्लेस कर दो, या तो गाने को म्यूट कर दो, तो वो तो फिर आपकी मर्ज़ी आपको क्या करना है। देखो अभी मेरे को तो रिप्लेस करना है क्योंकि मेरा तो मोन्टाज है। ठीक है, सपोर्ट पहुँच गया मेरा तो मोन्टाज में बिना गाने के तो अच्छा लगेगा नहीं। ट्रिम आउट रीप्ले सॉन्ग। देखो अभी इधर एक गाने की ऑप्शन देंगे कि कौन सा गाना मैं चूज़ करना है। ये देखिए आप इधर से कोई भी गाना यूज़ कर लीजिए, जैसे ये यूज़ कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे ऐड पे क्लिक दबा दिया, ये आ गया बस इधर सेव। बस भाई अभी ये होता रहेगा और आपको सिर्फ वेट करना है। मतलब ये ऐसे दिखाएगा बट देखिए प्रोसेसिंग पे आ गया ना, इधर प्रोसेसिंग लिखा आ रहा है, बस ये प्रोसेसिंग होती रहेगी। ठीक है, और फिर जैसे ही फिर आपको अगली वीडियोस पे देखना कि हाँ अगली वीडियो कौन सी देखिए बेस्ट ये जो वाली, इसमें भी कॉपीराइट है। सी डिटेल्स, इधर भी हमको कुछ करना पड़ेगा। देखते हैं इधर क्या कॉपीराइट। इधर अच्छा हार्ट अटैक यूज़ किया था मैंने, इसको तो म्यूट ही करना है। भाई नेट आपका उतना ही यूज़ होगा जितना आपने वीडियो अपलोड करने में किया था। म्यूट सॉन्ग इज इन प्रोग्रेस, बस ये चला रहेगा बैकग्राउंड में। तो गाइस देखिए जैसे कि कितनी सारी वीडियोस कॉपीराइट क्लेम आया। ठीक है, आप इन सभी को रिमूव कर सकते हो, जैसे मैं बता दिया ना कि कैसे कैसे इन सभी को रिमूव करना है। फिर आपका मतलब मोनेटाइजेशन के लिए आपकी जो वीडियो है वो इनेबल हो जाएगी, फिर आपको इन वीडियोज़ के तरफ से रेवेन्यू मिल जाएगा। ऐसे बस प्रोसेसिंग वाले ये लिखा आता है बट हो जाता है थोड़ी देर बाद। आप ये तो साइट को रिलोड कर लेना या तो मत करना, देख लेना आपकी मर्जी है। गाइज ये तो हो गया, आगे ये आगे देखो कि जैसे आपकी वीडियोस पे कॉपीराइट क्लेम आया। भाई कभी कभी आपकी जो लाइव स्ट्रीम की है, ठीक है, उधर भी कॉपीराइट क्लेम आया तो इधर अपलोड्स के साथ में लाइव कॉट होना। देखो जैसे शायद मेरी इतनी सारी वीडियोज़ इन सारी स्ट्रीम में सिर्फ एक में कॉपीराइट क्लेम आया। देखो ये भी अभी प्रोसेसिंग में है, ये भी थोड़ी देर बाद हो जाएगी खुद ही क्योंकि इनको मैंने पहले कर रखा था, ये हो जाती है। यार देखो कितनी सारी स्ट्रीम्स तो अभी तक मेरी अपलोड नहीं हुई है, 5-6 अभी तो कितनी सारी अभी आधी बच्ची हैं आधी अपलोड हुई है। बहुत ही ज़्यादा ग्लिच है यार इनके। देखिए आगे क्या पहुँचे अपलोड्स में, देखो अभी दो में प्रोसेसिंग चली, ऐसे आप 7 सभी में प्रोसेसिंग चला सकते हो।
भाई मैं तो यही रिकमेंड करूँगा आजकल कभी भी कॉपीराइट सॉन्ग यूज़ ही मत करना अपनी वीडियो में, या कोई इमेज वगैरह जो कॉपीराइटेड है, या कोई इफेक्ट, क्योंकि इन सभी से आपके रेवेन्यू नहीं आ सकता है भाई, अपना कंटेंट शो करना है। ठीक है, ये देखो जैसे हो गया भाई, प्रोसेसिंग डन होगी तो अब कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शंस में नन आ गया। भाई देखिए आपके सामने लाइव प्रूफ मैंने कॉपीराइट क्लेम को बंद किया। ठीक है जीजू, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं आप सब नेक्स्ट वीडियो में।